तो गाइस जैसे कि मैं आपको एक बैग तो ये वाला दिखाई चुकी हूँ कि ये मेरा लैपटॉप वाला बैग है, इसको मैं हमेशा साथ लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे कभी भी लैपटॉप से काम पड़ जाता है। और अब दूसरी साइड है मेरा ये दूसरा वाला बैग, ये वाला बैग इसमें मैं अपने कपड़े रखूँगी और अपने हस्बैंड के, बिकॉज़ हमें एक ही दिन जाना है घर, तो उस हिसाब से मैं इसमें हमारा आ जाएगा मतलब सारा। तो उसके बाद मैं ये कोट लेके जाऊँगी साथ में, और ये मेरी ईयर मफ्स हैं, ये मेरी सॉक्स है एक पेयर, और एक पेयर मैं पहन ही लूँगी। ये मेरी सिस्टर की सॉक्स है, वो जब आई थी ना यहाँ पे तो उसकी सॉक्स रह गई थी, तो फिर मैं ये साथ में ले जाऊँगी, तो मैं उसको वापस कर दूँगी फिर जाके। और ये है मेरे हस्बैंड के ईयर मफ्स, गोगल्स, ये तो वैसे मैं यूज़ करने वाली हूँ, मैं अपने लिए कुछ सोच के बैठी हूँ तो मैं ये लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते हैं गोगल्स। और ये जैकेट रखी है मैंने, जब हमने मतलब अपने घर से वापस आएंगे उस दिन उनको मैं ये दे दूँगी पहनने के लिए। और ये है मेरा पर्स, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मुझे मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था लास्ट हमारी एनिवर्सरी पे। सो अब चलते हैं दूसरी साइड। तो ये है मेरा पर्स, इसमें मतलब कि थोड़े से इम्पॉर्टेंट कार्ड्स वगैरह जैसे जो सब कुछ भी होता है, और थोड़ा बहुत कैश। और ये है मेरा एक स्वेटर, ये मुझे ना मम्मी ने बना के दिया था अपने हाथों से, तो ये मेरा बहुत पुराना स्वेटर है वैसे, मैं इसको अभी तक पहनती हूँ। और ये है एक और स्वेटर, सोच रही हूँ कि मैं ये पहनूँगी जाते हुए, और फिर मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाला पहनूँगी मैं जब मैं घर से वापस आऊँगी ना अपने घर यहाँ पर, तो मैं ये पहन लूँगी। सो कुछ ऐसा मैंने बेड का हाल किया हुआ है। अभी तो वैसे ये थोड़ा ही सामान है, इसके अलावा वो कपड़े जो मैंने हमने पहन के जाने हैं वो तो हम पहन ही लेंगे, ये सब वो हैं थोड़े बहुत जो रखने वाले हैं, ये भी वैसे मैं पहन ही लूँगी, बाकी थोड़ा बहुत इसमें से रखने वाला है, थोड़ा बहुत पहनने वाला है। तो अभी मैं बस करती हूँ ये वाली पैकिंग क्योंकि थोड़ी देर में हमको निकलना भी है और हम कहीं लेट ना हो जाएं, इसलिए फिर फटाफट से पैकिंग करते हैं और चलते हैं। हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। टाइटल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो येस हम फाइनली जा रहे हैं मथा टेकने के लिए नैना देवी टेम्पल, क्योंकि हमने ऐसा सोचा हुआ था, मतलब मैंने स्पेशली ऐसा सोचा हुआ था कि जब हम कार ले लेंगे तो उसके बाद हम फर्स्ट अगर हम कहीं ट्रिप पे जाएंगे तो वो मथा टेकने ही जाएंगे टेम्पल। तो आज वो फाइनली, इतने दिन हो गए मतलब कि बैठे हुए, वन वीक तो चलो एटलीस्ट हो ही गया घर बैठे हुए क्योंकि फॉग वगैरह ज़्यादा थी। न्यू ईयर के बाद हमारा प्लान था जाने का 2-3-4 डेट के आसपास, लेकिन हम जा नहीं पाए, लेकिन आज हमारा फाइनली प्लान बन गया है, तो हम अब जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए। तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ, बिकॉज मैं कब से वेट कर रही थी कि यार, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी ना बीच में, तो इसलिए भी हम जा नहीं पाए वैसे तो, पर मैं कब से सोच रही थी कि यार हम कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे, तो फाइनली आज हम जा रहे हैं और ये तो विश पूरी हो गई। और अब हम उसके बाद जब हम वापस आ जाएंगे ना अपने घर, तो यहाँ से हम जाएंगे रोपड़। रोपड़ क्यों? क्योंकि वहाँ है मेरा घर, और मम्मी पापा ने, मेरे ब्रदर सिस्टर ने मुझे कब से बुलाया हुआ, मतलब हमें बुलाया है कि आप लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो फिर अब फाइनली हम मत्था टेक के आए हैं, आ जाएंगे जैसे वापस, तो उसके बाद फिर हम यहाँ से दोपहर के बाद हम चले जाएंगे रोपड़। अरे बच्चो, ओए देखना ये कितना चलाक है ना, ये वाला वाइट, ये है ना, ये वाला है ना, किसी को इसको हटा दो ना, पी तो लिए, बाकी को पीने नहीं दे रहा ये। आप टबो मत कर लेना कहीं। ओए तेरे पीछे, वही डाले पीछे हो जा, ओए डाले, ये बाजी भी नहीं जाएगी, नहीं बजाना मत, ऐसे डराओ थोड़ा सा, बाकियों को तो थोड़ा पत पीने दे। ओए पीछे हो जा, ओए दे पीछे हो जा, पीने तो दो साथ में उसको। हाँ वो कर रहा है। अच्छा पीने तो बाकियों को, उसको हटाओ। आओ कल आओ दादी, हेलो, देख लुकिंग वेरी क्यूट। ये कितना खराब है ना, मुझे लग रहा था मैं कि यही होगी क्योंकि यही सबसे मोटू है और सब किसी को पीने नहीं देता। देखो बेचारे इसका क्या हाल किया हुआ, पतलू सा हुआ है। डालो इज गिविंग देम मिल्क। देखो पीछे ब्राउन वाला ऐसे खड़ा है, वो ऐसे खड़ा हुआ है। ओए तू हट जा, बस कर, चल खींचो जा। अरे ये सब सही है, बेचारे कुछ कहते नहीं है। तू भी आ जा ब्राउन, तू फिर आ गए, वो फिर आ गए। डालो चल 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 चल, सारा पैसे ना लामा दो जो नु आ तो आके रखा जाए ना। हां ए फुली है ना, सवणे है सारी मेरे बहुत ही। देखो बाकी नहीं लड़ते हैं ना, वो ही लड़ता है। कल्ला ही है तगड़ा, फिर आ गया, फिर से आ गया, खत्म ही हो गया।
सो गाइज मैं तो हो गई हूँ रेडी और फ्रेश। अभी मेरे हस्बैंड है वो गए हुए हैं फ्रेंड को लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हिली एरिया है ना, तो मैंने कभी हिली एरिया में ड्राइव नहीं किया, तो फिर हम अपने फ्रेंड को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि उसे बहुत अच्छी मतलब ड्राइविंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे ड्राइव करता है। हम पहले भी उसके साथ एक दो बार जा चुके हैं कहीं ना कहीं घूमने। मैं आपको दिखाऊंगी सारा कुछ रास्ते में कैसा कैसा है, क्योंकि मुझे तो लगता है फॉग होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे फॉग है तो वैसे तो वो हिली एरिया है, वहाँ पे मोस्टली लोग बोलते हैं कि फॉग उड़ जाती है जल्दी से, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे फॉग हो भी और ना भी हो। तो हाँ सही है। उनको पता नहीं होगा ना इतना आइडिया नहीं होगा। 6 बजे तो जावे ना, अंधेरा नहीं होता देर तो उनका कट उनकी लाइट जा। इस बार फॉग ज्यादा है, नहीं तो वैसे नहीं होता। हे माता बेसन ले गए वो बननी चाहिए थी वीडियो या वो आंटी बाल फाड़ लिए उन्हें पर्स खींच लिया था क्या उसने बाल फड़े हुए बस तो जरा खींचे खींचे वो पैकेट कौन था मैं तो नाली बाल फाड़े कॉल लगे तो ये डर दे तो तां डर दे जे डराओ डर दे डर जो तुझी होया क्या कि मैं चक्कर लग गया हो मैं भी छड़ छड़ छड़ता उन्हें वो छड़ता था डंडा उन्हें बिगड़ता था फिर नहीं आता ना तुझे तनका रहने दे खुली गया फिर उत्ते तो है पत्थर रे तो फिर शायद बच सकता बोला यहां पे कैसे बचेंगे अपना बजना भी मरी जाना नहीं जाना चाहिए फिर तो है ना इतने नहीं जाना चाहिए मैं कह दिन गया जल्दी चढ़ने वाले ठीक है बाय उतने वाले तो गोली में उतरदा इधर आशू भी देखिए तरह दे चलो चलो मेरी गल सुन जे ऊपर टूट जाए फिर चढ़ने के टूट गया फिर गब्बे बड़ा थल्ले नहीं था 206 चों 199 हड्डी टूट गई चलो देखो लाल वाली नहीं मैरून लेना है ये रेड कलर की दोनों जो आपने सेव उठा तो यहाँ पे हम खा रहे हैं फ्रूट चाट और यहाँ पे बन रहे हमारे कुलचे। क्या हुआ? तो क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या पानी देते हैं दसना भी नाल नाल चाटनी की रेसिपी दसो पहले हमें बाकी सारी छोड़ो मैं चाट दी वीडियो बनाओ उधर जाके मेकिंग वो देखो ना पूरी वीडियो मैं भी पा दूंगा। हां नाले वो भी दसो तू क्या रेसिपी रेसिपी नहीं बताएंगे अंकल बादनी अंकल ब्रांच खोलो अंकल श्रीनाथ प्रसाद भाई ब्रांच चाट भी बड़ी याद हुई चटनी जी बनांदे साथ ते बनी नहीं थी बहुत ट्राई की थी ये भी कलो भी 20 साल ते ही इक्को प्रोजेक्ट ये बच्चे कर दे बच्चे मम्मी लिया थी भी मुंडा है तो अंकल
थैंक यू मुझे लगता मैं ही आगे आ जाऊंगी। सो गाइस हम आए हैं घर और ये देखो हस्बैंड बैठे हैं और जाइमी क्योंकि रोपड़ में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और ये मेरा ब्रदर है और ये चला रहा है लैपटॉप। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इसीलिए अब हम यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। 2 जनवरी से जो है यहाँ पे धूप नहीं आई है इसीलिए आज व्लॉग भी नहीं बना और कुछ भी हमने किया नहीं, बस अभी हम बैठे हैं थोड़ी देर बातें बातें करें। कल तो हमने चले जाने वैसे भी। टाइम का पता नहीं चला, 12 बज गए। आर रेडी फॉर आवर ब्रेकफास्ट। बस अभी इतने ही दो मुझे पराठे और ये है दालों का 1 फॉर मी। थैंक्स। अब हम निकल चुके हैं सन सिटी 2 से घर जाने के लिए वापस आनंदपुर साहिब। दिस इज अवर फर्स्ट रोड ट्रिप इन अवर न्यू कार, है ना? या हम आ गए हैं अपने घर वापस और कल रात को हमने बहुत मजे करे। हम लोग पागल हो गए लिटरली वहाँ पे ना, हम लोग ने डांस करना शुरू कर दिया। वो एक्चुअली ना पता क्या हुआ था, हमारे जो मेरे जो ब्रदर सिस्टर है ना उनके ना स्कूल से मैसेज आया कि उनको ना हॉलीडेज हो गई हैं 15 तक, क्योंकि जैसे मौसम बहुत ख़राब है आजकल तो उसकी वजह से उनको छुट्टियां हो गई हैं। वो बड़े खुश हो गए, उसी चक्कर में हमने डांस करना शुरू कर दिया और डांस करते करते वो ऐसा मूड बन गया कि सब कहते चलो ठीक है दोबारा करते हैं वीडियो शूट करते हैं और ये हमारी मेमोरी होगी, हम उसको रखेंगे अपने पास संभाल के। तो हमने क्या किया, वो डांस दोबारा करना शुरू किया, मेरे ब्रदर ने गाने गाना शुरू किया और हमने वो डांस दोबारा करना शुरू किया और करते रहे रात को 12-1 बज गए। मतलब वही डांस करते मतलब बहुत इंजॉय किया, इतना हंसे, मींस पूरे महीने इतना नहीं हंसे होंगे जितना एक रात में वही एक दो घंटे में हम लोग हंस लिए, इतना हंसे, मज़ा बहुत आया वैसे। तो आज हम आ गए हैं घर। बट ऐसा क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि सुबह उठ के उन्हें पता लगा कि उनके स्कूल से कोई छुट्टियाँ नहीं है, क्योंकि स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया था, वो मैसेज कहीं और से आया था, जैसे कि एजुकेशन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से मैसेज आया था, लेकिन स्कूल से मैसेज उनको आया नहीं। तो उनको ये कि सुबह आज स्कूल जाना पड़ा और हम लोग आज वापस घर आ गए हैं। तो फिर बस ऐसी किया हमने, ऐसे इंजॉय किया रात को। सुबह तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह किया और हम लोग घर आ गए, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा जैसे काम रहता है ये, तो उनका काम वाम था, तो हम लोग फिर घर आ गए और फिर जाएंगे दोबारा मिलने के लिए, फिर थोड़े दिनों बाद जाएंगे, मतलब थोड़ा मौसम वगैरह खुल जाए फिर जाएंगे दोबारा मिलने। तो फिर गाइज अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मैं आपको मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अनपैक भी करना है सामान और थोड़ी सेटिंग भी करनी है घर की। ठीक है, तो मैं मिलूंगी आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।